नमस्कार। विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स लगातार नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। लगभग सभी ट्रेड एक्सपर्ट्स की फिल्म पर नजर बनी हुई है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये फिल्म 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। एक तरफ जहां फिल्म ने पूरे देश में भौकाल मचाया हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये फिल्म देखने के बाद चिढ़ मच रही है। कुछ कश्मीरी पंडितों के दर्द को समझकर आंसू बहा रहे हैं, तो कुछ इसे आधी अधूरी कहानी बता रहे हैं। इसी बीच फिल्म की तुलना साल 1975 में आई फिल्म जय संतोषी मां से की जाने लगी है। जय संतोषी मां ने भी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। शोले जैसी फिल्म को टक्कर देकर धीरे धीरे लोगों के बीच पैठ बनाने वाली इस फिल्म की खूब चर्चा हुई थी। अब चूंकि द कश्मीर फाइल्स के साथ भी ऐसा ही होता दिख रहा है, तो लोगों ने दोनों फिल्मों को कंपेयर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इन दोनों फिल्मों की तुलना ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने की। तरण ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, मैंने 1975 में जय संतोषी मां को लेकर पब्लिक में जबरदस्त क्रेजीनेस देखी, जैसी पहले कभी किसी फिल्म को लेकर नहीं देखी थी। इसने शोले जैसी स्ट्रॉन्ग फिल्म का सामना करते हुए इतिहास रच दिया। 47 साल के बाद फिर एक बार ऐसा ही हो रहा है। द कश्मीर फाइल्स इतिहास रच रही है, रिकॉर्ड तोड़ रही है, नए बेंचमार्क सेट कर रही है। आपको बता दें, 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म को पहले स्क्रीन्स नहीं मिल रही थी। महज 600 स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया गया था और अब लगभग 4000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर इसे रिलीज किया जा रहा है। फिल्म के शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि फिल्म को माउथ पब्लिसिटी का भी फायदा मिल रहा है। कुछ ऐसा ही 47 साल पहले जय संतोषी मां के साथ भी हुआ था। बिना किसी बड़ी स्टारकास्ट के भी इस फिल्म ने इतिहास रचा था। यही वजह है कि तरण आदर्श ने दोनों फिल्मों की तुलना कर डाली। हफ्ते भर में फिल्म ने 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और लगातार यह आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। बहरहाल, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा, बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स। जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वॉज, रोज हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया। तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद। And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling, क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें। It was impossible to emotionally unwind, क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक stories हमें सुननी है। And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said, it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस, I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt. You know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं, एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया। सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था। और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड वेन I realized I'm going to play Radhika Menon. मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था। तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू वन वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग जेन की बात कर रहे थे, तो ही हैड एक्सप्लेन्ड इट टू मी वेरी वेल। व्हेन आई डिडंट नो जेन, रिवर्स वर रिवर्स, ट्रीज वर ट्रीज, माउंटेन्स वर माउंटेन्स। When I began to understand Zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood Zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और director ले आता, I probably would have played it absolutely the same way. थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें। ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद आई सेड नो, द विलन हैज टू बी लाइक रियली बिग। और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, सो देन आई रियलाइज नो व्हाट राधिका मेनन हैज टू बी।
And I'm so glad that I got an opportunity to play this because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. Being a Kashmiri Pandit, मैंने पढ़ा है आपने कहा भी कि आप अपनी माता जी को ले जाना चाहते हैं उस जगह वापस यू नो आंखें नम है ऑफ कोर्स यू वांट टू गो बैक देयर बट और आपने वो परचम भी लहराया है कश्मीरी पंडितों की बात आपने की है तब से लेके अब तक बट नाउ अब जब ये किरदार आपको प्ले करने के लिए बोला वो एक तरीके से सब रिलिव कर रहे थे आप क्या चल रहा था दिमाग में बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो बिकॉज महसूस करना जो है व्हेन यू आर परफॉर्मिंग दैट एज एन एक्टर सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है बिकॉज आपको एक फिल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है तो इस फिल्म के दो पहलू हैं एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन तो जहाँ तक पर्सन की बात है आप कितना भी महसूस कर लो अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को उस तकलीफ को नहीं ला सकता है महसूस तो हम सब लोग करते हैं हम सब लोग दुख महसूस करते हैं हम तकलीफ़ महसूस करते हैं खुशी महसूस करते हैं हंसते हैं रोते हैं बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट इट्स अ जॉब ऑफ एन एक्टर टू डू दैट सो आई वांट टू सेपरेट टू इश्यूज ओवर हेयर वन इज़ दैट जस्ट बिकॉज आई एम ए कश्मीरी पंडित डज नॉट मीन दैट आई विल बी एबल टू पोर्ट्रे दैट पेन ब्रिलियंटली अनलेस आई कैन प्रोजेक्ट वॉट आई एम फीलिंग जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है तो इन्होंने कहा पुष्करनाथ ना पुष्करनाथ मेरे पिताजी का नाम है मेरे अपने पिताजी का तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है क्या हो रहा है क्या सिचुएशन है हम तो बाहर से आए थे फ्लाइट से ऐड किए थे रास्ते में खाना वाना खा के गए थे एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्करनाथ अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है I was representing a normal Kashmiri Pandit from Kashmir, which my father represented very well. And then it was difficult to do that role because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to... And on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkarnath. So, it was a difficult job. Plus, kahani wo thi jo main sun chuka tha apne rishtedaron se, kareebi rishtedaron se, mere mama se, meri maa se, aur hum sab... वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं दैट्स व्हाई इट टर्न्स इनटू डिप्रेशन बट आई एम सो हैप्पी दैट विवेक यू एंड पल्लवी यू मेड दिस फिल्म बिकॉज आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं एज जर्नलिस्ट बट इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है एंड दैट इज़ द biggest achievement I will say of the film because when pain reaches other people then half the job is done so I think this is what this film has done